नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि लगातार रैलियां की जा रही हैं मुकेश सहनी की तरफ से, और इसके साथ ही जीत के दावे भी वो कर रहे हैं। आपको बताएं कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मुकेश सहनी ने विशाल निषाद जन चेतना रैली आयोजित की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोग पहुंचे। इतना ही नहीं, कई तरह की बातें भी मुकेश सहनी की तरफ से कही गई। बता दें कि मुकेश सहनी ने बताया कि किस तरह से केवट ने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बैठाकर गंगा पार करवाया था, और आज जब उन्हीं के वंशजों की नैया बीच मझधार में फंसी है, तो ऐसे में इस वक्त मुकेश सहनी जो है इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से निषाद समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि निषाद समाज की मझधार जो है वो बीच धारा में फंसी हुई है। ऐसे में किस तरह से मुकेश सहनी ने अपनी बातें रखी हैं, किस तरह से यूपी में चुनाव को लेकर उन्होंने जो है जिक्र किया है, सुनवाते हैं आपको। आप अगला हारे जीते मुझे नहीं परवाह है। मेरे पास 15% जो वोट हम कह रहे हैं वो है कि नहीं है, वो मैं लोगों को, दुनिया को बताना चाहता हूँ। और जिस रोज हमारे पास 15% वोट हमारे ईवीएम मशीन में कब्जा हो जाएगा, उस रोज पूरे देश को पता चल जाएगा कि मेरे पास शक्ति क्या है, ताकत क्या है। और निश्चित तौर पे जब भी हमारे पास 15% वोट आएंगे, तो जो लोग हमारे वोट को अपना जागीर समझ रहा है, उनको बहुत बड़े पैमाने पे सीट को हारना पड़ेगा, तब हमारे पास 15% वोट आएगा। डॉक्टर संजय निषाद मझुआर बन गए और आप शाहरुख खान नहीं, मैं शाहरुख खान नहीं बन रहा हूँ। मैं अपने समाज के लिए मैं आज शाहरुख खान हूँ। आज मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ कि लोग मुझे देखने के लिए आए। मैं निषाद का बेटा हूँ, इसलिए आज इतने बड़े जनसैलाब, इतने बड़े भीड़ लोग आते हैं। सिर्फ निषाद समाज का मैं बेटा हूँ, और वो मुझे अपना शाहरुख खान मानते हैं, सलमान खान मानते हैं, हर तरह का चीज़ मानते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में बिहार से आया हूँ, मंत्री विधायक बनने के लिए नहीं, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया। कि वो जिस तरीके से बिहार में निषाद सर उठा के जी सकता है, चल सक रहा है, कि वहाँ पे निषाद का अपना सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए में 4 पार्टी है, जितना 74 वाले के पास पावर है उतना ही 4 वाले के पास पावर है, और मजबूती से हम प्रदेश में काम करें, अपने समाज के लिए बहुत सारा काम करें। तो वही हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारा समाज मजबूती से पॉलिटिकल तरीके से आगे आए, और आने वाले समय में समाज के लिए काम करे। और जिस तरीके से बिहार में हमने मजबूती से सत्ता को प्राप्त किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त करेंगे। काला कुर्ता, शनि का प्रकोप या योगी को एक कोई नया संदेश, सामाजिक न्याय का संदेश? नहीं, देखिए, काला कुर्ता जो शनिवार है, और शनि महाराज जी को भी मानते हैं, दुनिया मान रहे हैं, हम भी मान लेते हैं, और इसीलिए ये ड्रेस है। काला से कोई लेना देना नहीं, अभी आपके पास भी काला जाए बंडी है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो बता दें आपको कि लगातार यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मुकेश सहनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, जनसभा उनकी तरफ से की गई, और खास बात यह है कि इस बार निषाद समाज के उत्थान की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, और यही वजह है कि उन्होंने इस बार साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। यानी कि जहां एक तरफ अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो है तैयारी की जा रही है कि किस तरह से यूपी में चुनाव जीता जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किस तरह से यूपी में 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत उनकी हो सके। खास बात यह है कि निषाद समाज के उत्थान की बात उनकी तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि इस बार दमखम के साथ मुकेश सहनी यूपी विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। बता दें कि अब तक कई सारी रैलियां मुकेश सहनी की तरफ से कर दी गई है। ऐसे में भगवान श्री राम के नगरी अयोध्या में भी ये जो रैली है उसका आयोजन खुद मुकेश सहनी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई, और खास बात यह है कि इस बार मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार 169 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात होती है कि आगे यूपी विधानसभा चुनाव में और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन इस वक्त मुकेश सहनी पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार उनकी तरफ से जनसभाएं की जा रही है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन नेशन के साथ। नमस्कार।